गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हनुमते नमः ओं राम रामाय नमः ओं मातेश्री नमो नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्य भगवान चले अपने बेटा के घर, शनि के घर, शनि के पास, बेटा के पास बाप कुछ दिन रहेगा। बाप बेटा में जनरली पटरी नहीं होता है। यहां सूर्य आएंगे, सूर्य ग्रह राज सबसे पावरफुल, सकल शक्ति का आधार, सप्त ज्ञान का आधार, सकल अहंकार का आधार, राजा का आधार सूर्य सूर्य है, ग्रह राज है, अग्निकारक ग्रह है। सूर्य हमारे जीवन का शक्ति है, ज्ञान है। एक ज्योतिष विज्ञानी बिना सूर्य का सिद्धि किए ज्योतिष कभी नहीं हो सकता। बिना सूर्य साधना में ज्योतिष नाड़ी जागृत नहीं होता है। बिना सूर्य को मांगे किसी ज्योतिष के दम नहीं है कि ज्योतिष बन जाए। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी ऑनलाइन कोर्स करो, मैं भी राजी होता हूं, लेकिन फिर डर लगता है। अपात्रे न दियते दानम ज्ञानम धनम। और जब तक शिष्य को परीक्षण नहीं करो तो नहीं देना चाहिए, यहां ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन निकल गा रहा है, चलेगा। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ के कितने लोग कितने बर्बाद हुए हैं इसका लिस्ट जिस दिन आपको हस्तगत हो जाए। तंत्र विज्ञान को पढ़ के बिना गुरु में कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद हुआ है, भयंकर पतन हुआ है, ये जिस दिन समझ जाए तो फिर ऑनलाइन कोर्स करने वालों को उनका रूह कांप जाएगा। तो ये सारा ज्ञान सूर्य भगवान के पास है, इसलिए ऑनलाइन मैं शिष्य को परीक्षा ही नहीं किया और ज्ञान दे दूं। बहुत बार मेरे पास लोगों का ऑफर आ चुका है, लेकिन पता नहीं। और हम लोग संन्यासवादी हैं, आज इच्छा हुआ भागे पहाड़ पर्वत जंगल, चाहे हटाओ। बाप अपात्रे न दियते ज्ञानम धनम दानम, कालिदास दिया और मरा। और इसमें जो महानतम ग्रंथ है हम लोगों का, जिसका आधार है, मतलब लिख दिया गया है कि बिना परीक्षण और बिना ठोके पीटे मिट्टी का घड़ा नहीं खरीदते हो यार, 10 बार हंडी खरीदते हो, देखते हो। तो ऐसे महानतम ज्ञान किसी को ट्रांसफर करना बिना सूर्य नाड़ी को जगा के, बिना ज्योतिष नाड़ी को जगा के, यही होता है बिना पासवर्ड जान के लैपटॉप। थ्योरी उरी पढ़ लेगा लेकिन ज्योतिष मार्ग में सफल नहीं हो सकता। बड़े सारे किताबू एस्ट्रोलॉजर में देखा हूं, बिना गुरु का दीक्षा लिए हुए बहुत कुछ जानते हैं, कोई काम का नहीं है। बड़े सारे उनको मिल सकता है, यूट्यूब में सफल हो सकते हैं, हो सकता है थ्योरी उरी भाषण वाषण पढ़ा के लोगों को बहुत कुछ, समाधान नहीं दे सकते, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। चलिए हम लोग अपने लक्ष्य पे चलते हैं। सूर्य भगवान शनि के घर में जा रहे हैं। बेसिक विचार अगर बात करते हैं, एक सूर्य का साल भर का जो दो ग्रह के साथ चलना, हमेशा साल में 2 महीना सूर्य के लिए बड़ा, 3 महीना केतु के साथ 1 महीना, राहु के साथ 1 महीना, शनि के साथ 1 महीना। सूर्य माने गवर्नमेंट, सूर्य माने राजा, सूर्य माने पिता, सूर्य माने बड़े, सूर्य माने बड़े बड़े ऑफिस के बॉस, मालिक, मैनेजर, लीडर्स। ये 3 महीना हर लीडर, बॉस, मालिक, राजा परेशान रहता ही रहता है, उनको वो एनर्जी मिलता ही नहीं, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग चलता रहता है। इस समय जनरली देखना, जो लोग बॉस हैं, जो लोग लीडर हैं, जो लोग कंपनी फैक्ट्री चलाते हैं या राजनीतिक पार्टी में हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको इस समय वो ऊर्जा मिलता नहीं।
सूर्य जरूर शनि को कंबस्ट करेंगे। सूर्य करेगा क्या? जिस भाव में रहेगा वो भाव का अधिपति जब कंबस्ट है तो भाव का फल क्या दे देगा? तो भाव फल खत्म है। मतलब सूर्य यहां शनि के साथ टकरा के यही होता है कि इसे तो कंबस्ट किया लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाया। तो यहां राजा को अपने को संभालते संभालते टाइम चला जाएगा। इस महीना और अगला दो महीना आप देखिएगा हमारे देश के महामहिम जितने सारे राजनीतिक और नेतृवर्ग या सोशल लीडर्स या स्पिरिचुअल लीडर्स या जो भी हैं, अपने को संभालते संभालते ही हालत खराब हो जाए। बड़े सारे लोग इनको कमेंट्स और बैकबाइटिंग, लेग पुलिंग, निंदा, अपमान, बाधा सब कुछ करने वाले होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रचंड उथल पथल रहेगा। शनि इस समय शतभिषा में, शतभिषा के जो भौगोलिक आधार है वो सारे ज्यादा अफेक्टेड होंगे क्योंकि यहां सूर्य आएंगे। सूर्य का शतभिषा नक्षत्र का ऑलरेडी मैं बता दिया डिटेल, ये नक्षत्र क्या है, क्या करते हैं ऑलरेडी एक वीडियो में दिया हूं। लेकिन यहां पर गोचर सूर्य का, अब यहां आज जिस दिन ये गोचर करते हैं उस दिन हम लोग राशिफल बनाते हैं अगला महीना के लिए, फिर सूर्य आधार पे बोलते हैं। तो ये रहेगा, तो इसमें पंचांग के अनुसार क्या क्या फलादेश है उसके ऊपर विचार करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य गोचरे, कैसे गोचर करेंगे? कुंभ मासे विष्णुपदे संक्रांते संचारगम। इस महीना का फल क्या है? मुखे फलम रोगा, हृदये फलम लाभ, दक्षिण हस्ते फलम भोगा, दक्षिण पादे फल सम्मान लाभम, नेत्रे फल ऐश्वर्य वृद्धि, वाम हस्ते फल बंधनम, वाम पदे फल मानम। अच्छा, संक्रांति अगर अशुभ फल दे रहा हो आपको, सर्वसौधि सर्वौषधि स्नानम विष्णु मंत्र जपेत, विष्णु इस संक्रांति के लिए भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें। ये सूर्य का गमन कैसे रहेगा? इस महीना 13 तारीख 2024 माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि मंगलवासरे फाल्गुन कुंभ मासे विष्णुपदी संक्रांति तिथो रात्रि 12 घटिके 0 मिनट रवि धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि को संक्रमण। अगला दिन बुधवार रहेगा। सूर्योदय दिवा 6:26 पर्यंत संक्रांति विशिष्ट पुण्यकाल। अतः 6:24 से 11:59 मध्य पुण्यकाल, अतः सूर्यास्त मध्य सामान्य पुण्यकाल शाम तक रहेगा। यानी 6:24 से लेके 11:59 तक स्नान, दान, दक्षिणा इत्यादि कर्म, संक्रांति कर्म, जिनको जनेऊ वगैरह बदलना है इसी दिन, इस समय बदलेंगे। अच्छा, मंगल फलम कर्कट मासवत शिशिरम द्वितीय मास उत्तरायणे संवत्सर नाम पिंगल कुंभ मास भोगे, ये 30 दिन का यात्रा रहेगा। संक्रांति नाम मोहोदी देव जाति में शिशु वयसे श्वेत वस्त्र परिधाने कस्तूरी लेपने। अच्छा, इस महीना अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या करोगे, और सूर्य भगवान को जो पूजा करोगे कैसे पूजा करोगे? कस्तूरी लेपने, इस समय कस्तूरी का, इस महीना जो भी हम लोग जल अर्घ्य देंगे सूर्य भगवान को कस्तूरी के साथ लेपने,
नागेश्वर पुष्प माल्य विभूषिते, नागेश्वर फूल आता है जंगल में, कभी देखे होगे, बहुत मजा आता है वो फूल। पूर्वकम गमनम, इसी अवस्था में गमन करेंगे। तो सूर्य भगवान स्वर्णादि पात्रे अन्न भोजन भुसंडी धारणे सिंह वाहने दक्षिण दिशा उत्तर दिग दृष्टि, उत्तर दिग दृष्टवा, उत्तर दिग को देखते हुए दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशे गमनम करेंगे। ये सूर्य गमन का फल है। तो इससे परिणाम पृथ्वी में क्या होगा, पहले विश्व का परिणाम देखेंगे। दक्षिण पश्चिमांचल देश यथा उत्तर अमेरिका, अलास्का, गुआनमाल, साउथ अमेरिका, अलास्का, मेक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, आयरलैंड, स्पेन, अफ्रीका, उसके बाद एलिजाबेथ, ऑस्ट्रेलिया, टास्मानिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ब्रह्मदेश इत्यादि स्थान में जन असंतोष, जन विद्रोह, रक्तपात, प्राकृतिक दुर्घटना, विस्फोरण, सामुद्रिक झड़, क्षय क्षति का आशंका दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत, मध्यम मध्यम दक्षिण पश्चिम भारत के अंदर क्या होगा, भारत में दक्षिण पश्चिमांचले गोवा, कर्नाटक, कलकत्ता, त्रिचूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी आदि संघर्ष, रक्तपात, हिंसाकांड का वृद्धि होगा। राजनैतिक प्रतिरोध, अवरोध दिखाई देगा। उड़ीसा में क्या होगा, मलकानगिरी, कोरापुट, कलाहंडी, रायगढ़ आदि इस क्षेत्र में खाद्य संकट, जन असंतोष और राजनीतिक असंतोष, एकदम सच लिखा है। अभी हमारे उड़ीसा राजनीति में ब्रह्मपुर और इस बेल्ट पूरा भयंकर चल रहा है। अंडा का अभी कल का वीडियो था, एमएलए को अंडा में पिटा गया, और जो हमारे सीएम साहब का आलू है उसको बड़ा जोर ठुकाई हुआ है दौड़ा दौड़ा के। गजपति गंजाम में है, देखो ये लिख दिया गया है कब से ये बना पंचांग, और आज घट रहा है, ये चलना शुरू हो गया है, आगे तो और ज्यादा होने वाला है। बड़ा भयंकर मतलब गर्मी चल रहा है अभी राजनीतिक, आप उड़िया न्यूज में जाओगे तो मिल जाएगा। गोष्ठी संघर्ष हो गया है भाई, मतलब अगला महीना और ज्यादा होगा। राजहानि, धर्षण, असामाजिक कार्य, उपकूलवर्ती, बारंबार पथ दुर्घटना, बड़े सारे एक्सीडेंट, मैं वो वीडियो उठा नहीं पाया, बढ़ चुका है। कुष्ठी संघर्ष, जनजीवन आतंकित होने वाला है इस महीना में। कृषि उत्पादन उत्तम, खाद्य शस्य, नित्य व्यवहार जो पथ्य में मूल्य वृद्धि और कुछ जगह में समान, स्वर्णादि धातु का मूल्य घटने का संभावना। गुड़ तेल, मनोहरी महिलाओं का जितना द्रव्य है उसमें मूल्य रेट बढ़ेगा इस महीना में। व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि संपन्न, विद्वान, विनय भावपन्न होने वाले हैं इस महीना। अगर कोई भी लड़की पहला रजोद्वेशन करेगी, गुणन्विता सुपुत्री भवेत। और इस महीना गृह प्रतिष्ठा, देवता प्रतिष्ठा किया जा सकता है, लेकिन उग्र देवी के लिए नहीं, उग्र देवता के लिए नहीं। इस महीना रवि शुद्धि, मेष वृष कन्या धनु राशि के लिए महीना का 9 से मिथुन तुला मकर के, 9 के बाद मिथुन तुला मकर का भी रवि शुद्धि रहेगा। गुरु शुद्धि मिथुन सिंह तुला धनु और मीन राशि के लिए है, गुरु शुद्धि मकर वालों को नहीं है, कुंभ वालों को नहीं है। चलिए, इस महीना सूर्य का यह गोचर मेष के लिए, मेष राशि का पंचमाधिपति लाभस्थाने, ये महीना उत्तम जाएगा, स्वस्थ रहेंगे, कर्म क्षेत्र इत्यादि में अच्छा उत्साह रहेगा। वृष के लिए चतुर्थाधिपति दशम स्थान में, कर्म चंचलता, मन प्रफुल्ल, शरीर स्वस्थ और उत्तम फल दिखाई दे रहा है। धन प्राप्ति योग है, संतान के लिए संतान कर्म क्षेत्र का प्राप्ति भी है।
लेकिन याद रहिए कंबस्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा फल का आशा नहीं करेंगे। व्यवसाय में प्रतिष्ठा दिखाई दे रहा है। मिथुन के लिए यह महीना दूर यात्रा का संभावना कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। नवम का सूर्य है, पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, जनप्रियता में वृद्धि दिखाई देगा। कर्क राशि के लिए यह महीना अष्टम स्थान का सूर्य, बहुत सारे रोग इत्यादि का संभावना। द्वितीयाधिपति अष्टम में क्षति और नाना बहुत प्रकार के क्षय नुकसान, मान सम्मान में हानि, पारिवारिक जीवन में अशांति दिखाई दे रहा है। वाणी को संभाल के चले। सिंह राशि ये महीना दुश्चिंता बहुत सारे बढ़ेंगे। लग्नाधिपति अपने से सप्तम स्थान शनि के साथ आघात रक्तपात का योग सिंह राशि के लिए बन रहा है, सावधान रहेंगे। झमेला झंझट झगड़ा और कई प्रकार के अप्रीतिकर स्थिति बन सकता है, दुख शोक पूर्ण बढ़ सकता है। कन्या इस महीना कार्य सफल। द्वादशाधिपति कन्या का अपने से छठा स्थान में षष्ठ सूर्य, भारी लाभ भी दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए कार्य सफलता और शत्रु में विजय, कूटनीति में सफलता, जीवन के कई सारे अशांति दूर, शत्रु हानि। तुला के लिए यह महीना शरीर मन अच्छा रहने वाला है। कर्म में अग्रगति और कई प्रकार के आय व्यय में बैलेंस रहने वाला है। व्यवसाय में उन्नति दिखाई दे सकता है। वृश्चिक राशि के लिए यह महीना उत्तम फल प्रदायक रहने वाला है। वृश्चिक के लिए दशमाधिपति अपने से एक दो तीन चतुर्थ स्थान में जा रहे हैं। माता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान, बड़े सारे उथल पुथल होने का संभावना, मन में तनाव और दुख का वृद्धि दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में लेकिन प्रीतिकर दिखाई दे रहा है। उदासीन मन भाव ज्यादा बढ़ सकता है। धनुराशि इस महीना सूर्य का यह गोचर, शरीर मन अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र में उच्च आशा बनाएंगे। धन से तृतीय स्थान के लिए, मतलब आपके लिए ये नवमाधिपति आपसे तृतीय स्थान में, पराक्रम में वृद्धि, शक्ति में वृद्धि, सफलता दिखाई दे रहा है। मकर के लिए महीना आलस्यपूर्ण रहने वाला है। शरीर स्वास्थ्य मन भावना द्वंद्वात्मक रहेगा। आय मध्यम दिखाई दे रहा है या घटने का संभावना है। कर्म क्षेत्र में विलंब और सही समय में पहुंच नहीं पाओगे। पारिवारिक जीवन में सुख नहीं है लेकिन दुख भी नहीं है जैसे स्थिति रहेगा। व्यवसाय का क्षेत्र मध्यम दिखाई दे रहा है। वाणी के लिए सावधान रहेंगे। अपना पर्सनल ऊर्जा घटने का संभावना है। कुंभ के लिए इस महीना सूर्य रहेंगे, अस्थिरता क्रोध बढ़ने वाला रहेगा। एनर्जी बहुत टॉप का रहेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ उखाड़ दूं, ताड़ दूं, मोड़ दूं। गलत एक्सरसाइज का मन भावना बन सकता है। ठंडा गर्म, हॉट एंड कोल्ड का एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। द्रव्य नष्ट चिंतन बढ़ सकता है। मकर के लिए अष्टमाधिपति रोग, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, गुप्त धन द्वितीय स्थान में, सडन गेन भी होने का संभावना है। लेकिन दुख परिवार के ऊपर हो सकता है। परिवार के लिए दुखी सुखी हो सकते हैं। कुछ दुस्संवाद भी मिलने का संभावना। मीन यह महीना द्वादश स्थान में सूर्य, कर्म क्षेत्र में असफलता, मान सम्मान कहीं ना कहीं हानि, लेकिन कुछ स्थान में मान सम्मान मिलेगा भी। व्यय बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। देखो षष्ठाधिपति द्वादश में आके षष्ठ को देख के शत्रु इत्यादि का हानि, गुप्त शत्रु का विनाश, तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन नौकरी क्षेत्र में संभवत धन राशि इत्यादि बढ़ सकता है। कंपटीशन में सफलता दे सकता है। पढ़ाई क्षेत्र में भी छात्रों को सफलता और सुख दे सकता है। यह संक्रांति मंगल चतुर्थी व्रत और एक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार लोगों का आना और जाना लग सकता है। सभी के लिए कोई ना कोई नया आदमी जिंदगी में आएगा, कुछ पुराने लोग जाएंगे। ये संक्रांति में जरूर स्नान इत्यादि करें, क्योंकि इस संक्रांति के दूसरा दिन ही माँ सरस्वती का पूजा होने वाला रहेगा। सरस्वती पूजा का ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ, बसंत पंचमी और आज से बैल और कुली खाना इस पूजा के बाद बनता है। तो जितने भी उसका प्रिपरेशन कर लें, मैं बताया हूँ लक्ष्मी और बल तभी मिलेगा जब सरस्वती आपके फेवर में रहेंगे, और नहीं है तो नहीं मिलेंगे।
ये था सूर्य भगवान का कुंभ राशि गोचर का बेसिक परिणाम। आगे इसको फिर और एलाबोरेशन करेंगे समय मिलेगा तो। धन्यवाद, नमस्कार।